वेलकम टू कैच 25 साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट और कमेंटर पवन भारद्वाज वेलकम्स यू। नाउ स्टूडेंट, दिस इज अवर लास्ट वीडियो, ये हमारा लिमिट्स का। ऑलरेडी आपने मेरे चार वीडियोस देखे होंगे, होप आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। स्टूडेंट, चारों वीडियोस आप अगर नहीं देखे तो पहले प्लीज़ वो सब वीडियोस देख लीजिए, राइट। और आप मुझे बताइए अगर आपको और भी कुछ लगता है, कुछ अलग वीडियोस मुझे बनाने हैं लिमिट्स के अंदर भी, और भी कुछ एक्स्ट्रा आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। ओके, आइए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में ये लिमिट्स का है मेरा, डिस्कस करते। स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ, देखिए, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज अ यूनिक टेंजेंट एट द पॉइंट पी ए कॉमा जीरो ऑन द ग्राफ, देन दिस इज इक्वल टू। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, यूनिक टेंजेंट है, मतलब ये एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट है, राइट। अब इन लोगों ने क्या दिया स्टूडेंट, कि व्हेन एक्स इज ए वाई इज जीरो, मींस व्हेन एक्स इज ए व्हाट इज वाई एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ ए इज जीरो। ये दो डेटा क्यों दिया हुआ है, आइए समझो। अगर सपोज आपको लॉपिटल यूज करने का है, राइट, लॉपिटल, तो अगर यहां पे आप एक्स का वैल्यू क्या डालोगे, ए, तो एफ ऑफ ए आ जाएगा। व्हाट इज एफ ऑफ ए, जीरो, तो सिक्स इंटू जीरो, जीरो, तो लॉग वन जीरो। व्हाट इज एफ ऑफ ए, जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो। फिर आप डेरिवेटिव लोगे, तो डेरिवेटिव जब लोगे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो होना चाहिए ना, इसीलिए इन लोगों ने ये सब स्पेसिफाई किया। अब स्टूडेंट, x tends to a क्या ये log of the base e 1 plus 6 fx, right, upon 3 fx। और स्टूडेंट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, देखो, लिमिट x tends to 0 log 1 plus x the whole raised to x is equal to 1, प्रोवाइडेड जो ये वन प्लस है ना, उसके साथ में जो यहाँ पे वेरिएबल टर्म रहेगा ना, वो किसकी तरफ जाना चाहिए, जीरो की तरफ, और सेम चीज नीचे रिपीट होनी चाहिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब एक्स टेंस टू ए है, तो अगर मैंने यहाँ पे एफ ऑफ ए लिखा तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू सिक्स, जीरो, ये पूरा जीरो की तरफ जा रहा है इसके जैसा, यस, एग्जैक्टली नीचे रिपीट होना चाहिए, पर नीचे तो क्या है, थ्री एफ एक्स है, होना क्या चाहिए, सिक्स, तो इंटू टू मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू टू कर दिया, अब एग्जैक्टली जा रहा है, यस स्टूडेंट, सेट हो रहा है, यस, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा वन इंटू टू, तो आंसर विल बी टू, बराबर। राइट, ओके, तो ऑप्शन ए सी, बराबर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन रेज टू एक्स, टू रेज टू एक्स, थ्री रेज टू एक्स, डॉट डॉट टिल एन रेज टू एक्स, आपको देख रहा रहेगा, अपॉन एन द होल रेज टू वन अपॉन एक्स। अगर स्टूडेंट में डायरेक्टली इसमें अगर मैंने एक्स का वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट किया, सोचो क्या हो जाएगा, वन रेज टू जीरो, 2 raise to 0, dot 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 till n raise to 0, upon n, तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1, 1, 1, 1, n time, which is 1 plus 1 plus n time is n, n upon n, answer is 1, मतलब ये तो आ गया 1, और ये क्या हो जाएगा student, ये जो है 1 upon x है, तो 1 upon 0, मतलब infinity, तो आपको I think दिमाग में आ गया है, कौन सा format आ गया, वन रेज टू इन्फिनिटी फॉर्मेट। अच्छा, वन रेज टू अगर इन्फिनिटी फॉर्मेट है स्टूडेंट, ठीक है, तो वन रेज टू इन्फिनिटी फॉर्मेट, आई थिंक मैंने, अगर आपने मेरे पहले से वीडियोस देखे होंगे तो उसमें जरूर आपको इस समय ऐसा मिला होगा, वन रेज टू इन्फिनिटी फॉर्मेट, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। तो वन रेज टू इन्फिनिटी फॉर्मेट, ठीक है,
वन इज टू इन्फिनिटी फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट? अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये एफ एक्स है, रेज टू जी एक्स है. अगर आप डायरेक्ट सब्सिट्यूट किया वन रेज टू इन्फिनिटी आया तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ई रेज टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स, और ये एफ एक्स माइनस वन, बराबर. ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा. देखिए ई रेज टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, जो फंक्शन है जी एक्स वो नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वन रेज टू एक्स, टू रेज टू एक्स, डॉट 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 टिल एन रेज टू एक्स, वन एन माइनस वन. तो क्या आएगा लिमिट? आ जाएगा वन रेज टू एक्स, टू रेज टू एक्स, एन रेज टू एलसीएम लेंगे तो माइनस एन, वन एन आ जाएगा. देखो ठीक है. अब स्टूडेंट खाली ये वाली सेक्शन को मैं सॉल्व करता हूँ. देखो खाली ये सेक्शन को सॉल्व करता हूँ. ठीक है, अभी मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे. आइए ठीक है, बाकी चीज की जरूरत नहीं है इसलिए इरेज कर देता हूँ मैं. अब स्टूडेंट सॉल्व करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वन रेज टू एक्स. अच्छा स्टूडेंट, जो एन है, एन मतलब क्या आएगा? वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, एन टाइम्स. अपने पास एन टर्म्स है तो हर एक को एक एक वन मिल जाएगा. वन रेज टू एक्स माइनस वन प्लस, टू रेज टू एक्स माइनस वन प्लस, थ्री रेज टू एक्स माइनस वन प्लस, डॉट 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 एन रेज टू एक्स माइनस वन, बराबर. और ये अपॉन एक्स है तो सब में आ जाएगा अपॉन एक्स, अपॉन एक्स, अपॉन एक्स, डॉट डॉट अपॉन एक्स. ये लिखा हमने पूरा. और आप बोलोगे सर ये एन किधर गया? तो चलिए वन अपॉन एन भी है पर, जो फिलहाल काम का नहीं है. और ये पूरा ई है. अब स्टूडेंट ये क्या होता जाएगा? व्हाट इज वन ए रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स? लॉग ए, तो लॉग वन, लॉग टू, लॉग थ्री, लॉग फोर टिल लॉग एन. तो क्या हो जाएगा? ई रेज टू वन अपॉन एन तो है, लॉग वन, लॉग टू, लॉग थ्री, लॉग फोर टिल लॉग एन. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लॉग ऑफ वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू डॉट डॉट टिल एन. ये हो जाएगा ई रेज टू लॉग, क्या हो जाएगा? वन इंटू टू इंटू एन, मतलब क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल. और ये वन अपॉन एन है, ये पावर बन जाएगा, वन अपॉन एन आ जाएगा. अब हमने लॉग में एक प्रॉपर्टी, बड़ा फंक्शन चैप्टर आपने अगर गो थ्रू किया होगा वीडियोस तो हमने प्रॉपर्टी देखी होगी. लॉग का बेस क्या होता है? कुछ नहीं तो ई. ये और ये जब सेम सेम होता है, लॉग का बेस ई और टोटल सिस्टम का बेस भी ई, सेम सेम है, तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाता है. तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? एन फैक्टोरियल रेज टू वन अपॉन एन. आंसर इज बॉम्बे. N factorial is to 1 upon N. Now student, ये सब देखिए. 24. Limit x tends to 0, 10 raised to 8 minus sin raised to 8 upon x raised to 10. क्या हो जाएगा देखिए? डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं. लॉपिटल भी कहें तो कितनी बार डेरिवेटिव लेंगे? देखिए ना, x power 10 है, डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, इसको कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे आ जाएगा 1 upon अब क्या कर सकते हैं हम लोग? इस साइन रेज टू 8 और एक्स रेज टू 10 है तो इसमें क्या हो जाएगा? साइन एक्स ऑन एक्स द होल रेज टू 8 हो जाएगा. ये तो चला गया. अब ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स पावर क्या 8. इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो 1 हो गया पूरा. वन रेज टू एट इज वन, मतलब उस पर टेंशन नहीं लेना अपने. अपने कभी ये देखो कि कॉस
कॉस रेज टू एट, बराबर। इसका भी टेंशन नहीं, बिकॉज कॉस है एक्स, कॉस जीरो, वन वन रेज टू एट तो वन, तो इसका भी टेंशन नहीं, खाली इसका ही देखने का, बराबर। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या था, वन माइनस कॉस एक्स था ना, ये तो कॉस रेज टू एट है, तो इसको क्या हो सकता है, वन माइनस कॉस रेज टू एट को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सोचो, वन माइनस कॉस रेज टू फोर द होल स्क्वायर, होल स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस रेज टू फोर कॉन एक्स स्क्वायर, बराबर, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू फोर कॉस जीरो, कॉस जीरो मतलब वन, वन रेज टू फोर वन, वन प्लस वन टू, तो ये तो टू आ जाएगा, आइए, बराबर, तो ये आ जाएगा टू, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अभी क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस रेज टू फोर को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, व्हाट इज वन माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एडजस्ट हो गया वन, और ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो वन, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, ऑलरेडी टू है तो टू इन टू टू, आंसर इज फोर, ठीक है। नाउ 25th, इस जीरो अपॉन जीरो आ रहा है, पर लॉपिटल यूज करना डिफिकल्टी आ जाएगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि तो दिक्कत आ ही जाएगी, चेक कर लेना। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज भी करता हूँ तो देखो, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट, इसका ये कॉन्जुगेट है, देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये और ये नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो a प्लस टू एक्स, ए हो जाएगा a प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, मतलब a माइनस एक्स आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, थ्री ए प्लस एक्स माइनस फोर एक्स, है ना, क्योंकि टू रूट एक्स का स्क्वायर फोर एक्स, तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3x, 3 कॉमन a माइनस x, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन a माइनस x, ऑब्वियसली लिमिट तो लिखा ही होगा, जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, इनटू इसे a माइनस x, a माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये तो एज इट इज रहेगा, बाद में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें क्या, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन थ्री, एक्स का वैल्यू ए है तो थ्री ए प्लस ए फोर ए, फोर ए मतलब टू रूट ए, और ये भी टू रूट ए, अपॉन टू ए प्लस ए थ्री ए, तो रूट थ्री ए प्लस रूट थ्री ए, तो टू प्लस टू फोर रूट ए, फोर ए अपॉन थ्री इंटू, तो यह आ जाएगा टू रूट थ्री, टू वन जा टू टू जा, ये हो जाएगा टू रूट ए अपॉन थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट ए, तो रूट ए रूट ए का आंसर इज टू अपॉन थ्री रूट थ्री, यस द आंसर इज सी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वन माइनस टेन एक्स अपन वन माइनस रूट टू साइन एक्स, अगर डायरेक्ट सब्सिट्यूट किया तो टेन पाई बाय फोर है ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू पाई बाय फोर है,
तो 10 pi/4 कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे sin pi/4 1/√2 √2 √2 गया, नीचे भी 1 माइनस 1, तो आंसर आ गया 0/0। तो सबसे फेमस रूल कौन सा, लॉपिटल। तो चलो 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव 6 square x, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव cos x, तो क्या हो जाएगा माइनस एडजस्ट हो जाएगा 6 square x cos x। अब sec pi by 4, तो sec pi by 4 कितना होता है √2 √2 का square 2, cos pi by 4 1/√2 √2 कैंसिल, तो आंसर इज 2। तो ए इज द आंसर, देखो सिंपल है। तो अब यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, इसको जरूरी नहीं कि दूसरे फॉर इसको डायरेक्ट भी कर सकते, देखो बस यही चेक करने का है, देखो बताओ क्या चेक करना चाहिए, क्या ये जीरो की तरफ जा रहा है, कॉस होगा तो अलाउड नहीं है क्योंकि कॉस 0 1 होता है, यस जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, ये तो इजी है, डायरेक्ट है, देखो ये जीरो की तरफ जा रहा है, इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है, तो क्या होता है फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बताओ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 x^(1/x) = e, ये तो पूरा e हो गया, ठीक। अब ये न्यूमरेटर वाला ये आ जाएगा 1 x/(10x), द होल रेज टू 1/10x इनटू, लेकिन अभी खाली 1/sin x चाहिए, व्हाट इज 10 sin/cos, राइट ना, sin/cos, तो भी कैसे करेंगे, तो आपको मैं उसे लॉजिक बताता हूं, 1/10x है तो उसको उल्टा भी लिख देने का 10x इनटू द ओरिजिनल फंक्शन क्या चाहिए 1/sin x, अब ये पूरा क्या हो जाएगा e, अब ये 10x है, 10x मतलब sin x/cos x, तो sin और sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली 1/cos, तो आ जाएगा e^2, क्यों बताओ कैसे, ये sin x कैंसिल, बचा 1/cos, और नीचे e, और लिमिट तो है ही, टेंशन नहीं है, cos है, cos 0 1, तो e^1/e कैंसिल किया, तो आंसर इज 1, यस, तो चेक कर लो, ठीक है। आइए 28 पे, इसमें कैसे करेंगे, ये भी डायरेक्ट से हमें देखो, चलिए फटाफट करते हैं, 1 + 5 x² तो क्या 0 की तरफ जा रहा है, या 0 का स्क्वायर 0 0 टू 5 0, इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल 1/5 x² इनटू इनटू क्यों 1/x² चाहिए, तो ये आ जाएगा 5, और नीचे 1 + 3 x² आ जाएगा एग्जैक्ट रेसिप्रोकल 1/3 x² इनटू, क्योंकि 1/x² चाहिए, तो आ जाएगा 3, आ जाएगा e^5 और ये e^3, आंसर इज e^2, तो डेली इज द आंसर।